मैं दक्ष को दक्ष आप लेने आए थे मम्मी दक्ष लेने आए थे आपको तो बहुत याद आ रहा है तो दक्षु के तो फ्रेंड्स आपको सीन देखकर समझ में आ ही गया होगा हम अपने मायके जा रहे हैं मैं और दीदी तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन से उतर के रिसीव करने के लिए मम्मी और मेरा छोटा भाई आ गए थे एक्चुअली क्या है दक्षु की बाहर आउटिंग भी हो जाएगी तो इस वजह से मम्मी दक्षु को भी लेकर आ गई थी मेट्रो स्टेशन पे और बस हम लोग जा रहे हैं और इसी से अंदाज़ा लग जाएगा आपको गोवर्धन पूजा का व्लॉग नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाई थी तो वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी सीधा आपको यहीं का भाई दूज का आपको देखने को मिलेगा और यस नोएडा में आके नोएडा की सड़कें ये सब देख के बड़ा अच्छा सा लगता है मतलब वही है फिर वही पुराने दिन याद आ जाते हैं अपने मायके में आके है ना ये सब चीज़ें देखकर ही अच्छा लगता है मतलब ये लगता है कभी इन सड़कों पे घूमा करते थे बहुत मतलब तब इनमें कुछ स्पेशल ऐसा नहीं दिखता था लेकिन अब जब वहीं वापस आ गए हैं और मतलब काफ़ी दिनों के बाद ऐसे देखते हैं तो ये सड़कें भी बड़ी अच्छी लगती हैं मतलब हर सीन अच्छा लगता है अपने मायके का तो बस फिर अब हम अपने घर पहुंचने ही वाले हैं एक्चुअली क्या है स्टेशन पे उतर के ना सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है घर तक जाने का तो बस जा रहे हैं मैं ऐसे जा रहा स्कूल का अच्छा अच्छा कल की छुट्टी है ना कल की ही ना उसकी अच्छा अच्छा नहीं तो 31 तक छुट्टी है अभी नहीं नहीं पता ना रानी जी हां जी 28 को ना हम अपने स्कूल की तरफ से पिकनिक जाएंगे अच्छे कहां पे बालकन का ही स्पॉट बना रखा है पानीपत ना भैया तो नहीं कह रहे तुम्हारे उधर कह रहे हैं पर गया ना है मुक्के की कुछ तबीयत ऐसी हो रही खांसी जो आने जाने में तो बच्चे तो थक जाते हैं और कहीं जगह ही ना मिली बोलो इधर ले आओ निकले ये तभी मुझे पानी बाय भैया बाय भैया बाय अनी बाय खोल लूँ ना भाई खोल मैं तो मैं वहीं छोड़ दूँगा हाँ आगे तक गाड़ी करने जाएगा ना जो काम हो रहा है हाँ अरे फोन मत लेना नमस्ते नमस्ते बाबू बहुत बड़ा चाहिए मम्मी लो लो दक्षु सबसे पहले हेलो गाइस आप कैसे हो बच्चे भी ना हाय गाइस फ्रेंड्स यहाँ पर रात का टाइम है जिसे आपको पता है कि हम एक दिन पहले चले जाते हैं रक्षाबंधन हो या भाई दूज जो एक दिन पहले चले जाते हैं रात को स्टे करके अगले दिन सुबह सुबह करके फिर हम वापस आ जाते हैं तो बस वही था यहाँ पर मैं चाय पी रही थी मम्मी सोने की कंडीशन में थी मतलब उनको नींद आ रही थी मेरे साथ लेकिन ज़बरदस्ती उठने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उनको लग रहा था जैसे कि मैं आई हुई हूँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें साथ में लेकिन मैंने उन्हें बोल दिया था कि नहीं मम्मी कोई बात नहीं आप सो जाओ क्योंकि आप लोग जल्दी उठते हो सुबह का रूटीन जल्दी का है और बस मैं यहाँ पे फिर मुझे यहाँ पे कम नींद आती मतलब जल्दी से नींद नहीं आती रात को हमारा रूटीन लेट का है तो बस मैं उठी हुई हूँ जैसे कि आपको समझ में आ गया कि मैं अपने मायके आ चुकी हूँ भाई दूज के लिए और मेरी हैबिट है कुछ कुछ खाती रहती हूँ और यहाँ के तो और ज़्यादा खाती रहती हूँ अभी रात हो गई है मम्मी लेट गई है भैया भाभी लोग भी लेट गए हैं और उस टाइम पे कुछ कुछ ऑफ़र कर रहे थे ये खा लो वो खा लो लेकिन मैंने पूरी कचौड़ी इतने खा ली थी कि उस टाइम और कुछ बन नहीं था भाभी ने पूछा था और यहाँ पे क्या था भाभी ने बताया था दही बड़े बने हैं तो अब रात को उठी हुई थी मैं तो मैंने सोचा चलिए वो ट्राई कर लिए जाए किचन में वो फ्रिज में रखे हैं पहले मैं बर्तन ले लेती हूँ बर्तन
मतलब देखो ऐसा हो जाता है अपना घर, अब मुझे यहाँ कटोरी तक नहीं दिख रही है। अपने घर में इतने शहरी बन जाते हैं हम, शहरी नहीं इतने अनजान हो जाते हैं कि हमें कटोरी तक ढूंढनी पड़ रही है। मुझे लग रहा है सेटिंग कुछ ज्यादा ही चेंज हो गई, चम्मच भी नहीं दिख रही मुझे तो। वो तो हूँ मैं, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही बाल खुले हुए है ना। फ्रेंड्स बस छोटी छोटी भूख के लिए मुझे, मतलब मेरे माइंड में था दही बड़े रखे हैं तो बस वही है मैंने निकाल लिए। इसमें ना भाभी ने ऑलरेडी मसाले वगैरह वैसे मिक्स कर दिए थे कि मतलब ले तो डायरेक्ट ले ले, लेकिन वही है ना सबका अपना टेस्ट अलग हो जाता है, तो मुझे थोड़ा सा लगा था थोड़े और इसमें स्पाइसेस होने चाहिए, और वैसे बहुत टेस्टी बन रहे थे। एग्जाम्पल अब जैसे यही याद रहेंगे मुझे, समझे आप भी ना। बस चलो स्माइली अभी नहीं खाने, नहीं। लाल चटनी थोड़ी सी। देखो ये दिक्कत हो गई है, अब मुझे यहाँ पे ना मसाले बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन सा कहाँ रखा हुआ है। बहुत अच्छे बन रहे हैं, सॉफ्ट है बहुत, लेकिन अब मुझे ना जैसे अपना टेस्ट होता है ना चाट मसाला डाल के, वो अब मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता कि कहाँ क्या रखा है। और आपकी जिज्जी इतनी लंबी भी नहीं जो ऊपर इन कबर्ड्स में झांक सके। ये कोई मसाला हाथ आया मेरे, चाट मसाला नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है ये भुना हुआ जीरा है, मेरे को फील आ रहा है ऐसा। मेरे को गलत फील आया, ये तो ना कुछ चूरन टाइप लग रहा है। हमारी भाभी जानने कहाँ का रखे हुए मसाले में क्या है। ये मीठी चटनी ये डाल लेती हूँ, ठीक है क्या कर सकते हैं। अब देखो ऐसे हो जाता है, मुझसे कई बार बोला भाभी ने, दीदी आप खा लो बहुत टेस्टी बन रहे खा लो, मैंने कहा नहीं नहीं बाद में लूंगी, और अभी मुझे चाट मसाला नहीं मिल रहा है। थोड़ी सी बच गई, इसको ऐसे रख देती हूँ काम आएगी कल। और आप ये मत सोचिएगा सिर्फ मैं उठी हुई हूँ, मेरे साथ दोनों बच्चे भी उठे हुए हैं, मुझे पूरी पूरी कंपनी दे रहे हैं। हाँ ऐसा कुछ था क्या मुझे याद ही नहीं जी। और मैं यहाँ को अपने मायके की बालकनी का थोड़ा व्यू दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे ना बालकनियाँ बहुत पास पास में हैं, और कितना सुंदर लग रहा है, सभी ने डेकोरेट किया हुआ है। तो बस ऐसे ही मैंने थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड किया और बस सोने के लिए चली गई थी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे भाई दूज के व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।